संघर्ष के दिनों को याद कर छलका अर्चना गौतम का दर्द, बोली लोग अनपढ़ गवार कहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। बिग बॉस 16 के घर में नजर आने वाली अर्चना गौतम को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हाल ही में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए अर्चना गौतम ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्हें अनपढ़ गवार कहकर जलील किया जाता था, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। भले ही वो आज ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें खूब सुनना पड़ा था। बिग बॉस 16 के दौरान अर्चना गौतम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम तीसरी रनरअप रही थी। अर्चना गौतम ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्हें अंग्रेजी न आने की वजह से तानों का सामना करना पड़ता था, लोग उन्हें अनपढ़ गवार बोलते थे, उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अर्चना गौतम ने इस बारे में भी बताया कि सलमान खान की एक सलाह ने उन्हें इंस्पायर किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान अर्चना गौतम ने बताया कि मुंबई आने के बाद उन्हें अंग्रेजी न आने की वजह से रिजेक्शन का सामना कई बार करना पड़ा। जब मैं लोगों से मिलने के लिए जाती थी तो वह मुझसे अंग्रेजी में बात करते थे और मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, जिसकी वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अर्चना ने आगे बताया कि अब उन्होंने खुद में काफी सुधार दिया है, अब मैं बेसिक चीजें जानती समझती हूँ। उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन उस वक्त लोग मुझे खराब नजर से देखते थे और मुझे अनपढ़ गवार समझते थे। जिनके पास मैं काम मांगने के लिए जाती थी वह मुझे साफ तो मना नहीं करते थे, रिजेक्शन की कोई बात मेरे सामने नहीं करते थे, लेकिन बोलते कि बाद में पता चल जाएगा। अर्चना ने बताया कि उस वक्त मेरा आत्मविश्वास कम हो गया और मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं होगा और मुझे काम नहीं मिलेगा। अर्चना ने आगे बताया कि सलमान ने उन्हें कहा कि मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में करियर बनाना बेहतर होगा, इस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज़।